हेलो फ्रेंड, कैसे हो? हम तो अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे होंगे। चलिए आज बनाते हैं कश्मीरी आलू दम। देखिए, इसमें 8 आलू ले लिए हैं और काटे वाले चम्मच है ये। काटे वाले चम्मच से ऐसे ऐसे कर दिए हैं, आप लोग भी कर दीजिएगा। और देखिए, गैस जला दिए हैं, कढ़ाई रख दिए हैं। कढ़ाई में तेल डालेंगे। कढ़ाई में तेल डाल दिए, देखिए फ्रेंड डाल दिए। अब ये थोड़ा गरम हो जाए, ये फ्रेंड गरम हो गया। अब इसको आलू डाल दिए इसमें, कढ़ाई में ऐसे डाल देंगे। अब ये ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तब इसको निकालेंगे। चलिए तब से मसाला बना लेते हैं। देखिए, टमाटर 2 ले लिए हैं, मिर्च ले लिए हैं। मिर्च आप रेड भी डाल सकते हैं, सूखी वाली, और ग्रीन भी डाल सकते हैं। और ये देखिए इलायची है, ग्रीन वाली। बड़ी वाली मेरे पास नहीं है, इसलिए हम ग्रीन वाली डाले हैं। और ये अदरक है, तेज़पत्ता है, दालचीनी है, ये काजू भी डालना है। अब ये टमाटर काट लेते हैं। मिर्च काट के भी डाल सकते हो, लेकिन हम पीस दे रहे हैं, पीस के हम डालेंगे। और 4 मिर्च ले लिए, टमाटर ले लिए, देखिए काट दिए। और इसमें अदरक भी डाल देंगे। अदरक डाल के अब इसको ग्राइंड कर लेंगे, करके अब दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड, अब ये थोड़ा हो गया ब्राउन, देखिए कितने अच्छे से ब्राउन हो गया। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना था, हल्का सा अब हो गया। अब इसको निकाल लिए। कढ़ाई में थोड़ा तेल डालेंगे, देखिए अपने हिसाब से डाल लीजिए। अब उसमें एक स्पून जीरा डाल देंगे। तेज पत्ता डाल दे रहे हैं। और देखिए फ्रेंड, दालचीनी और ये ग्रीन इलायची है। इलायची से बढ़िया टेस्ट आता है इसमें। ग्रीन इलायची डाल दिए। अब थोड़ा सा इसमें हींग डाल देंगे। हींग से अच्छा टेस्ट आता है और पचता भी है। और ये टमाटर, अदरक, मिर्च अच्छे से मिला लेंगे। और ये काजू का है पेस्ट, दोनों मिला देंगे। ये दही है, इसको अच्छे से मिला देते हैं पहले। और ये सौंफ डाल देते हैं इसी दही में। सारा इसमें डाल के सामग्री मिला देंगे। हल्दी 1 मिनट, हल्दी भी डाल दिए। हल्दी ज़्यादा नहीं पड़ता है इसमें। कश्मीरी मिर्च है, इससे अच्छे से कलर आ जाता है। ये सारे मिला लेते हैं आपस में, नहीं तो फिर मसाला में डालेंगे दही तो फट जाता है। इसको मिला के फिर डालेंगे तो नहीं फटेगा। इसमें बेसन नहीं डाले हैं, इसमें लाल मिर्च है कश्मीरी, हल्दी है, दही है। देखिए अच्छे से मिला दिए। और इसमें
हैं, मसाला में मिला देते हैं। कम आँच करेंगे तो अच्छे से मसाला पक जाएगा। देखिए फ्रेंड, मसाला अब डाल दिए हैं, ढक दिए हैं, मसाला अच्छे से पक जाएगा। मसाला तेल छोड़ रहा है फ्रेंड। अब इसमें एक स्पून मसाला डाल देंगे। अब इसमें कस्तूरी मेथी भी डाल देंगे। कस्तूरी मेथी से थोड़ा स्वाद बढ़ जाएगा। अब इसको अच्छे से चला देंगे। जब थोड़ा और पक जाएगा तब इसमें आलू डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं इसमें, जैसे जो लोग खाते हैं तेज कम चला देंगे। देखिए फ्रेंड, इसमें से तेल छोड़ रहा है, थोड़ा और पक जाएगा तो डालेंगे आलू। देखिए फ्रेंड, मसाला अब अच्छे से पक गया है। देखिए इसमें तेल छोड़ दिया है, देख रहे हैं। देखिए अच्छे से मसाला पक गया है। अब इसमें आलू डाल देंगे। देखिए आलू डाल के थोड़ा सा इसको और ढक देते हैं। आलू अच्छे से पक जाएगा उस मसाला में। देखिए फिर कितने अच्छे से पक गया है मसाला आलू के साथ। देखिए अब इसमें डाल देते हैं पानी। आप अपने अनुसार पानी डाल सकते हैं। आपके अगर चावल खाना है तो चावल के हिसाब से डालेंगे, रोटी खाना है तो रोटी के हिसाब से। देखिए फ्रेंड, अब पक गया। अब इसमें धनिया डाल देते हैं। धनिया पत्ती डाल के इसको अच्छे से चला देते हैं। आप लोग भी एक बार बनाइए और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। देखना फ्रेंड, बनाना एक बार, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अच्छा है कि ख़राब है। देखिए फ्रेंड, हो गया है। बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।